हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, इन न्यूमेरिकल्स में उन्हीं में से कुछ फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है, करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन अ स्ट्रेट वायर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ दिस वायर एट अ पॉइंट 1 मीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस ऑफ वायर। अब देखिए, मान लिया ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दे रखी है। ये जो डार्क से हमने करंट कैरिंग एलिमेंट लिया है और पी पॉइंट है जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है आर दूरी पे। इससे जो वायर है उसका एंगल 45 डिग्री होगा। तो हमें पता है राइट हैंड पाम रूल से जो इसकी डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। और करंट कितना है, 5 एम्पीयर। स्मॉल करंट एलिमेंट 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.01 मीटर। आर 1 मीटर है, थीटा 45 है। अब हमें बायो सेवर्ट लॉ पता है, db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्केयर। सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10^-7, आई 5, डीएल 0.01, साइन 45 बाय 1 स्केयर। ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 3.54 × 10^-9 टेस्ला। डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि इनवर्ड का मतलब यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड मैंने बताया था ना अभी, तो इसका मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट dl इक्वल टू dxi वेयर dx इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट i इज इक्वल टू 10 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन y-axis एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। अब देखिए, जो dl है उसको पहले मीटर में कर लिया, 10^-2 मीटर। i 10 एम्पियर है, r 0.5 है, और जो r है क्योंकि वो y डायरेक्शन में है इसलिए मैंने rj ले लिया है। जो एलिमेंट है वो x डायरेक्शन में है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे बायो सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म, जिसमें हमें पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r क्यूब। अब dl की वैल्यू पुट करिए, आर की पुट करिए, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएक्स बाय आर स्क्वायर, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, आई क्रॉस जे के बराबर होता है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएक्स के कैप बाय आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज रखते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाता है 4 × 10^-8 टेस्ला के, यानी कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट एलिमेंट 3DL इज एट 0, 0, 0 अलोंग वाई एक्सिस, इफ DL इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब जो करंट एलिमेंट है वो वाई डायरेक्शन में है और हमें फील्ड निकालना है एक्स एक्सिस में, तो DL को फिर से मीटर में कन्वर्ट किया, 10^-2 मीटर। आर को भी मीटर में करेंगे, 0.20 मीटर आ जाएगा, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है इसलिए आई कैप आ जाएगा। आईडीएल क्या हो जाएगा, 3 × 10^-2 जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन में था, अगेन वेक्टर फॉर्म। वैल्यू पुट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, J क्रॉस I है इस बार, I क्रॉस J K था, J क्रॉस I माइनस K हो जाएगा, माइनस K मतलब नेगेटिव Y डायरेक्शन में, सॉरी नेगेटिव Z डायरेक्शन में। इसको माइनस को बाहर भी ले सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा −7.5 × 10^-8 टेस्ला। दस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 7.5 × 10^-8 टेस्ला एंड डायरेक्शन इज नेगेटिव जेड एक्सिस। अगला क्वेश्चन है, 2 सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर हेल्ड इन द फॉर्म एज शोन इन फिगर। अभी हम फिगर दिखाते हैं, 1 कॉमन एंड ऑफ देम
is at the origin. If both the conductor carry same current I, find the value of magnetic induction at point AB. ये डायग्राम है, देखिए दोनों का एक एंड तो O पॉइंट पे मिल रहा है और दूसरा एंड इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो जैसे पहले वाली वायर है उसका फिक्स एंड से एंगल बनता है पॉइंट P का थीटा वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, ऐसे ही दूसरे वाले का बनेगा थीटा टू, ये डिस्टेंस रहेगा B, दूसरे वाली वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा A, क्योंकि पॉइंट आपका ए बी है. अब मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू करंट थ्रू द कंडक्टर अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग जो कंडक्टर है उसकी वजह से जो पॉइंट P पे मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय बी साइन थीटा वन, और दूसरा एंड क्योंकि इन्फिनिटी पे है और मैंने डेरिवेशन में बताया था कि उसके लिए 90 ले लेंगे तो साइन 90, तो रिजल्ट आ जाता है. अच्छा, क्योंकि ये इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड यानी कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में. वैल्यू पुट कर देते हैं. अब इसी तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू करंट थ्रू द कंडक्टर अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग जो वायर रखा है उसकी वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय इस बार डिस्टेंस a लेंगे और साइन थीटा 2 प्लस दूसरा एंड क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो पाई बाय 2, और इसकी डायरेक्शन भी कहाँ रहेगी, अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन में. तो ये फील्ड आ गया. अब क्योंकि दोनों के कारण जो फील्ड है वो नेगेटिव z डायरेक्शन में है तो दोनों फील्ड, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज B इक्वल टू B1 प्लस B2 अलोंग नेगेटिव z एक्सिस. दोनों को ऐड कर देते हैं. अब म्यू नॉट I बाय 4 पाई दोनों में कॉमन आ जाता है. आगे हम सॉल्व करते चले जाते हैं. जैसे आप देख रहे हैं LCM AB, AB को बाहर ले लेते हैं, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है. म्यू नॉट I बाय 4 पाई AB ब्रैकेट A प्लस B प्लस रूट A स्केयर प्लस B स्केयर ब्रैकेट बंद. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम करंट I इज फ्लोइंग इन थ्री इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स अलोंग X, Y एंड Z एक्सिस, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 00 माइनस A, यानी कि नेगेटिव Z डायरेक्शन में कोई पॉइंट है वहां पे, तो पॉइंट जो है वो क्योंकि Z एक्सिस पे लाई करता है, देयर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द गिवन पॉइंट ड्यू टू करंट अलोंग Z एक्सिस इज जीरो. तो यानी कि तीन में से एक वायर की वजह से तो मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पे. मैग्नेटिक इंडक्शन x के कारण कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई ए आई इंटू जे कैप, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. ऐसे ही y के कारण कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए माइनस आई कैप, x डायरेक्शन के अलोंग होगा नेगेटिव डायरेक्शन में. तो नेट जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो सीधा ऐड करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए जे कैप माइनस आई कैप. नेक्स्ट, टू पैरेलल वायर सी एंड डी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एज एट ए सेपरेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर कैरी इलेक्ट्रिक करंट्स I1 is equal to 6 ampere and I2 is equal to 3 ampere in opposite direction as shown in figure. Find the point on the line AB where the resultant magnetic field is zero. जैसे ये हमारे पास वायर्स हैं, देखिए इसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन करंट जा रहा है, C पॉइंट पे करंट जो है वो इनवर्ड जा रहा है और D पॉइंट पे करंट आउटवर्ड आ रहा है. P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है. दोनों के कारण जो फील्ड होगा मतलब P पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो होना चाहिए दोनों की वजह से. तो इसका मतलब ये हुआ कि P पॉइंट पे दोनों के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल एंड अपोजिट होगा. अब अपोजिट तो होगा क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द लाइन सी डी वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो when the magnetic field at the point due to one wire must be equal to the and opposite to the magnetic field due to the another wire. This will be possible when the required point lies on the
राइट साइड ऑफ द वायर डी। मान लिया वो पॉइंट पी है और वो डी से एक्स दूरी पर है, तो आई वन करंट के कारण पी पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाय डिस्टेंस उसका कितना होगा, आर प्लस एक्स। ऐसे ही और इसकी डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर टू सीपी डाउनवर्ड, राइट हैंड पाम रूल से निकाल लेंगे। ऐसे ही आई टू करंट के कारण पी पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो आ जाएगा बी टू इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई टू बाय एक्स, और इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, डायरेक्शन अपोजिट होगी तभी तो रिजल्ट जीरो आएगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो बी वन इक्वल टू बी टू, दोनों को इक्वल रखा, म्यू नॉट बाय फोर पाई से म्यू नॉट बाय फोर पाई कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो आ जाएगा आई वन बाय आर प्लस एक्स इज इक्वल टू आई टू बाय, यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी I2R टू आर बाई आई वन माइनस आई टू, ये पोजिशन होगी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 8 इंटू टेन स्क्वायर माइनस 2 मीटर आ जाता है, यानी कि 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ए सर्कुलर लूप ऑफ टू टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज 0.40 मिली टेस्ला, फाइंड द रेडियस ऑफ द लूप। एक सर्कुलर लूप है जिसमें दो टर्न है, उसमें करंट 5 एम्पियर का है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दिया 0.40 मिली टेस्ला, रेडियस निकालनी है। हमें पता है कि अगर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, करंट दे रखा है, फॉर्मूला होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय टू आर, आर पता करना है, बी की वैल्यू दे रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इज बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई टू एन पाई आई बाय आर, या फिर आप देखिए टू पाई से फोर पाई कैंसिल करके टू ही आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ हमने क्या किया है पाई से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और म्यू नॉट बाय फोर पाई की वैल्यू क्या आ गई है, 10 इस पर माइनस 7 लिखी जा सकती है। यहां से r आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई बाय बी, वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 इस पर माइनस 7, 2 पाई की वैल्यू 22 बाय 7, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स हैं, करंट है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, सारी वैल्यू पुट करके रिजल्ट आ जाता है 157.1 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 मीटर, या सेंटीमीटर में करें तो 1.57 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 120 टर्न्स हैज अ रेडियस ऑफ 18 सेंटीमीटर एंड कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल सेंटर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। यानी कि आपको एक सर्कुलर कॉइल की वजह से एक सेंटर पे उसके मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है और एक ऐसे पॉइंट पे जो उसकी एक्सिस पे है और सेंटर से उसकी रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे है, तो दोनों केसेस करते हैं। अब हमें पता है नंबर ऑफ टर्न्स 120, करंट 3 एम्पियर, आर 18 सेंटीमीटर या 0.18 मीटर, एक्स इज इक्वल टू ए, रेडियस के बराबर है कितना 18 सेंटीमीटर यानी कि 0.18 मीटर। केस वन, अब हमें यह पता है कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन अभी हमने किया है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर, वैल्यू पुट करते हैं 1.26 इंटू 10 पावर माइनस 3 टेस्ला आ जाता है। दूसरा केस, हमारे पास ये फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन ए स्केयर बाय ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर 3 बाय 2, सारी वैल्यूज पुट करते हैं और इसका रिजल्ट आ जाता है 4.4 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस 0.2 मीटर ईच हैविंग 30 टर्न्स आर माउंटेड कोएक्सियली 0.2 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ईच कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज पास थ्रू बोथ ऑफ द कॉइल, फर्स्ट केस इन सेम डायरेक्शन, सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन।
आपको रेडियस दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी दे रखी है। अब खुद के करंट के कारण, देखिए जो पॉइंट हम जिस पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल रहे हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण होगा, तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ईच कॉइल ड्यू टू इट्स ऑन करंट बी वन म्यू नॉट एन आई बाई टू ए, वैल्यू पुट करते हैं 5.65 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वन कॉइल ड्यू टू करंट इन द अदर कॉइल, दूसरे के कारण कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्केयर बाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर 3। इसको सॉल्व करके आ जाता है 2.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो बी वन प्लस बी टू दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 7.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। जब अपोजिट होंगे तो माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा, तो बी इक्वल टू बी वन माइनस बी टू, और ये आ जाता है सॉल्व करके 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। ये न्यूमेरिकल जो फॉर्मूलों के बेस पे हैं वो इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया गया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।